ख्वातीन हज़रात, आप तमाम मोतबर और मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। हमारे वो मेहमान गिरामी और इंतज़ामिया के वो लोग जो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो गए हैं, उनसे मेरी बहुत अदब से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। हज़्ब रिवायत तकरीब का आगाज कलाम इलाही की तिलावत से किया जाता है। मैं दावत दे रहा हूँ अरसलान को कि वो तशरीफ लाएं और आयात रब्बानी की तिलावत करने की सआदत हासिल करें। जनाब अरसलान, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रहमान ने कुरान की तालीम दी, उसी ने इंसान को पैदा किया, फिर उसी ने उसे गोयाई सिखाई। सूरज और चांद हिसाब के साथ चलते हैं और बेतने के दरख्त और तनेदार दरख्त दोनों अल्लाह के मुती हैं। और उसी ने आसमां को ऊंचा किया और दुनिया में तराजू रख दी ताकि तुम तोलने में कमी बेशी ना करो। صدق الله العظيم معزز خواتین حضرات، کلام الہی کی آیات مبارکہ کی تلاوت ہم سب نے سماعت کی۔ بہت بہت شکریہ قاری حافظ ارسلان۔ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के बाद जो पूरी दुनियाओं में सबसे बेहतर कलाम है, वो हुज़ूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। ये ज़िक्र नसर में हो या नज़्म में, हमारे ईमान का हिस्सा है और हमारी हर तकरीब का लाजमी जुज़ है। सो मैं बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम में हदिया नात पेश करने के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे केडीए ऑफिसर्स क्लब के ज़िम्मेदार और बहुत हुजूर अकरम से प्यार करने वाले जनाब रहमान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकाए दो जहाँ अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब रहमान साहब,
अस्सलाम वालेकुम। Yes।
जज्बात हवा झूम के आई तेरे दर की, मैं शर्म में भी इस शाम से जाऊंगा मुनव्वर, मैं शर्म में भी इस शाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे जनाबे रहमान साहब, लेकिन मेरे आका के तस्करे से किसी भी मोमिन का दिल सैर नहीं हो सका। मुंतजमीन ने इसी का एहतमाम किया है कि एक और नात सरकार की बारगाह में हम सुने। सो मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालिब हम्माद से, क्योंकि मुझे यही नाम लिख कर दिया है और यह तन्हा तन्हा नाम मुझे पुकारने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, हम्माद में अगर है तो वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। मौजूद खवातीन हजरात जनाबे हम्माद, हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। मैं साउंड सिस्टम वालों से बहुत अदब से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मुसलसल डिस्टर्बेंस हो रही है, चूँकि आपका रोज़ का काम है, इसे ज़रा जाँचें कि यहाँ कहाँ कमी बेशी हो रही है, चूँकि तकरीब इससे बड़ी मुतासर हो। صلي على نبينا صلي على محمد صلي على كريمنا صلي على محمد उनको जो देखा बाटते तो मैंने भी बड़े के शौक दस्ते अदा के सामने दस्ते तलब बढ़ा दिया सल्ले अला नहीं कोई
खवातीन हजरात, कबल इसके कि हम इस किताब पर गुफ्तगू शुरू करें जिसके लिए तकरीब सजाई गई है और मैं इसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन हमारे दरमियान जो बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम रखा है और वो ये रखा है कि मौजूदा सर सैद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों को नज़रअंदाज नहीं किया, और इसका सबब यह है कि यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अनवर साहब सामने तशरीफ़ रखते हैं। यकीनन ये इनकी हौसला अफजाई और तरबियत का नतीजा है कि उन बच्चों में, जैसे कि हमने नात समाज की, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों में भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र करने का ज़ौक़ और शौक़ मौजूद है। जब ज़ौक़ और शौक़ आदमी की रगो पे में मौजूद हो तब उसकी कमज़ोर आवाज़ भी लहन को खुशगवार महसूस होती है। सो अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हम्माद, ये भी तालिब इल्म हैं, के तशरीफ़ लाएँ और आज की इस तकरीब से के हवाले से, बल्कि इससे ज़्यादा कहीं अपने साबिक चांसलर के हवाले से गुफ्तगू करें। जनाब हम्माद, ये भी हमारे नौजवान साथी और रुकन हैं, मेरी दरख्वास्त से हम माँ से तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले
अपनी बात को शुरू करने से कबल मैं चाहूँगा कि जिस हस्ती की आज बरसी की तकरीब मनाई जा रही है तो उनकी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलाम से जिस तरह थी तो उनके इसाले सवाब के लिए तमाम लोग एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जैद निज़ामी साहब बानी सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम्स ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के मुद्दतों तक सदर रहे और ना सिर्फ शहर कराची बल्कि पाकिस्तान की वो लाजवाल खिदमत करने वाले शख्स के जिन्होंने इस शहर को ना सिर्फ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अता फरमाई बल्कि इस शहर के नौजवानों के लिए वो कारहाए नामे अंजाम दिए कि जिसका आज जो भी रिजल्ट्स है वो हम सब की शक्ल में नज़र आता है। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से फारिगुल तहसील होने के बाद पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात का दौरा करने के बाद मुख्तलिफ जामियात में जाकर खिताबात करने के बाद और उसके बाद दूसरी मंजिल टीवी पे जाने के बाद आज आपके सामने मौजूद सैयद हम्माद हुसैन जैद निज़ामी साहब को खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करता है कि उन्होंने इस शहर के नौजवानों को वो प्लेटफॉर्म अता किया कि जिसके लिए अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसका ख्वाब देखा था कि नौजवान इसी मुल्क में रहें, एक हाथ पे उनके दीनी तालीम हो, दूसरे हाथ पे साइंसी तालीम हो और वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इस्लाम का नाम रोशन करें, इंसानियत की खिदमत करें। सर सैयद यूनिवर्सिटी के क़याम के बाद जिस तरह आप तमाम मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस शहर के नौजवानों को वो मौके मिले कि कोटा सिस्टम के होते हुए सरकारी जामियात में दाखला ना मिलने की वजह से दर बदर भटकते फिरते थे और जब सर सैयद यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया तो इसी शहर के वो मकामी नौजवान जो कि कोटा सिस्टम की भेंट चढ़ जाते थे सर सैयद यूनिवर्सिटी के आला तालीमी मेयार के बदौलत पाकिस्तान में इंजीनियरिंग करने के बाद बड़े बड़े इदारों में अपनी पोस्टों पर मौजूद हैं और ये सर सैयद यूनिवर्सिटी और उसके बानी जैद निज़ामी साहब का कारनामा है। आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालने से कबल मैं आपकी जानिब एक और सवाल भी छोड़ता चलूँगा। आप तकरीबन लोग जैद निज़ामी साहब से बिलमुसाफा मुलाकात भी कर चुके होंगे और ज़्यादातर मेरे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, आरए से लेके एक चेयरमैन तक और एक क्लर्क से लेके एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप तरीन ओहदे पर फाइज शख्स इस बात की गवाही देगा कि जब तक जैद निज़ामी साहब बहैसियत चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची रहे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी दिन ये नहीं देखा कि कोई शख्स उनके पास आया और उन्होंने उससे हाथ नहीं मिला। उनका हाथ मिला देना सामने वाले को जो रिस्पेक्ट देते थे वो उनकी तरबियत जो कि अलीगढ़ से उन्हें मिली थी उसका वो एक मज़हर थे और वो एक ऐसी फिज़ा कायम कर देते थे कि स्टाफ के छोटे से छोटे शख्स से लेके बड़े से बड़े शख्स तक और एक बिल्कुल न्यू स्टूडेंट से लेके फोर्थ ईयर के स्टूडेंट तक वो उन्हें अपना चांसलर मानते थे, अपना घर समझते थे सर सैयद को और वो उस तराने के ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूं, तो ये वो चमन होता था। सर सैयद यूनिवर्सिटी में आपके जितने भी काम थे मैं उनमें से एक और बात आपको याद दिलाते चलूं, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा रहा कि सर सैयद यूनिवर्सिटी में एक दिन हम उनके दरमियान मौजूद थे और ये उनकी आदत में से था कि वो स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को बुलाते, उससे मुशावरत करते और उनसे भी राय लेने के बाद, टीचर से राय लेने के बाद एक फैसले की जानिब बढ़ते। तो काफ़ी मरतबा ऐसा हुआ कि वो हमारे दरमियान बैठे और फरमाए कि ये यूनिवर्सिटी मैंने और हम तमाम दोस्तों ने मिलके अपने आने वाली नस्लों के लिए बनाई है, तुम्हें नहीं पता कि हमने वो नशेबो फराज देखे जब हमने हिजरत की, अपने आबाओ अजदाद के मुल्क को छोड़ा, पाकिस्तान आए, यहाँ दर बदर की ठोकरें लोगों को खाते हुए देखा, जिंदगी के वो तमाम नशेबो फराज देखे। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिला करते थे, जब एडमिशन नहीं मिला करते थे तो क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से जॉब्स में कोटा सिस्टम की वजह से जॉब भी नहीं मिला करती थी और वो तमाम माइग्रेटेड लोग दर बदर फिर रहे थे। सर सैयद यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में आया, आज मेरे आबाओ अजदाद जो इंडिया से यहाँ पर हिजरत करके आए, मेरे माँ बाप जिन्होंने इस मुल्क में अपना घर बनाया, आज उन्होंने अपने बच्चे को सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ इस वजह से करा सके कि वहां पर कोई कोटा सिस्टम नहीं था,
वहाँ मेरिट बुनियाद थी, टेस्ट पास करें आप एडमिशन लें। और वो तमाम बच्चे अक्सरियतन वो लोग जो हिंदुस्तान थे यहाँ हिजरत करके आए थे, उनके बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हुए और आज शहर कराची में कसीर तादाद में इंजीनियर्स मौजूद हैं। ये भी सर सैयद यूनिवर्सिटी के बानी जैद निजामी साहब और अमूबा का कारनामा रहा। हाजरीन मोहतरम, अपनी बात को मुकम्मल करते हुए एक बात आपसे कहता चलूं कि अपने लिए तो जीते हैं सब इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जैद निजामी साहब इसकी पूरी अमली तौर पे हमें मिसाल नजर आए। आप के टेबल का एक वाकया मैं आपको सामने अर्ज करता चलूं। हुजूर अलैहिस्सलाम की फरमान के जो आपके हदीस होती है उसके मौजू से है कि कोई शख्स अगर तुम्हारी टेबल या तुम्हारे सामने या तुम्हारे पास कोई उम्मीद लेकर आए और तुम उसकी उम्मीद भर सकते हो और अगर तुमने उस वक्त उसकी उम्मीद ना भरी तो कल बरोज़े कयामत मुझे गुमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ना उम्मीद ना कर दे। ये मुझे बात जब पता चली जब मैं अपने मेंटोर अपने सरपरस्त हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब के साथ होता तो मैं उनसे पूछता कि जैद निजामी साहब के पास कोई शख्स भी आ जाता वो उसके काम को मना नहीं करते, ये क्या वजह है? जबकि उनकी चांसलर हैं, अमूबा के सदर हैं, पावरफुल शख्सियत हैं, मना कर सकते हैं, क्यों नहीं मना करते? तो उन्होंने कहा कि ये हदीस क्या ये फरमान हुजूर का कि कोई शख्स तुम्हारे पास आए तुम उसकी उम्मीद भर सकते हो, तुमने ना भरी तो कल बरोज़े कयामत मुझे गुमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ना उम्मीद ना कर दे। तो वो उस फरमान के अमली पैकर बनते, कोई शख्स कोई काम के लेके आ जाए जितना मुमकिन हो सकता है जैद निजामी साहब उसकी मदद फरमाते। कोई स्टूडेंट आ जाए, फीस का मसला हो, जेन्युइन केसेस में मैं सैकड़ों केसेस को ऐसे जानता हूं कि जिनके माँ बाप ड्यूरिंग इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, जैद निजामी साहब ने पूरी फीस तक वेव ऑफ कर दी और बच्चों को उनके आखिरी डिग्री तक लेके गए। किसी बच्चे का कोई फाइनेंशियल मसला हो गया तो उसे डिग्री भी अलॉट करा दी, बाद में वो पेमेंट कर दें, क्योंकि इसका एक मकसद था। मैं 4 साल से 5 साल तक सर सैयद यूनिवर्सिटी के मामलात में इन्वॉल्व रहा, जब यूनिवर्सिटी के अगले भी 6 महीने तक लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी का जो माहौल देखा वो ये था कि ये यूनिवर्सिटी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक तहरीक के तहत बनी हुई यूनिवर्सिटी है, ये एक विजन के तहत बनी हुई यूनिवर्सिटी है। ये कोई जो हमारे शहर में यूनिवर्सिटियां फल फूल रही हैं, बढ़ते चले जा रही हैं, कैंपसेस बनते चले जा रहे हैं, टीचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और बच्चे बस आ रहे हैं, बस कोई मेयार नहीं है, बच्चे आ जा रहे हैं ग्रेजुएट होके। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अड़ीगर मूवमेंट के नजरिए के तहत बनी हुई यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है और ना ही ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है कि जिसमें उसका मेयार वक्त के साथ साथ नीचे जाता रहे, तनजुली का शिकार होता रहे और यूनिवर्सिटी जो है एक दिन आके अपने इख्तिताम पर पहुंच जाए। सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है सर सैयद के नज़रिए के तहत चलने वाली यूनिवर्सिटी है। आज की मौजूदा इंतज़ामिया और उससे पहले भी और निज़ामी साहब के बाद भी अपने हद तक बहुत कोशिशें करते रहे और कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहेंगे। हमारी कुछ जो है उनसे कुछ गुजारिशात हैं जो कि पर्सनल हैं। हमने देखा है कि सर सैयद यूनिवर्सिटी अपने उस तशख्स को खोती चली जा रही है, उसकी वजह यह है कि दूसरे लोग सोशल साइंसेस में बहुत आगे जाते हैं। मैं खुद CBM में पढ़ता हूँ।